हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक कैरेटीन की वीडियो। आप कैरेटीन कैसे कर सकते हो, हमने क्या इनका जेके का कैरेटीन। तो सबसे पहले हम क्लाइंट का हेयर अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद उसको हम 30% सुखा लेंगे, पूरा तो हम नहीं सुखाएंगे 100%, सिर्फ 20% ही हम सुखाएंगे। उसके बाद हम उसमें सेक्शन बाय सेक्शन लेके क्रीम अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, ज़्यादा मोटे सेक्शन ना लें आप, पतले पतले ही सेक्शन लेके क्रीम अच्छे से मल्टीप्लाई करें। क्रीम मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप पतले पतले ही सेक्शन लें। उसके बाद हम क्रीम को थोड़ी देर बालों में रहने देंगे, आधा घंटा आधा घंटा। उसके बाद उसको हम वॉश नहीं करना है हमने। उसके बाद वही क्रीम को हम ब्लो ड्रायर की मदद से सुखा देंगे, ब्लो ड्रायर कर लेंगे अच्छे से क्रीम को हम, जो उसमें बालों में हमने क्रीम लगाई है उसको आप वॉश ना करें। वो क्रीम आप वो 3 दिन बाद वॉश वॉश होती है। जो कैरेटिन की क्रीम होती है उसको हम बालों में ही रहने देते हैं, बालों में ही पेनिटेट करवा देते हैं उसके बाद प्रेसिंग करने के बाद। तो इसलिए आप पतले पतले सेक्शन लेके ही अच्छे से क्रीम अप्लाई करें। क्रीम लगाने के बाद हमने आधा घंटा उसको रहने दिया बालों पे। उसके बाद हम उनके बालों पे करेंगे ब्लो ड्राई। उसके बाद हम बालों में कर रहे हैं ब्लो ड्राई, पूरे बालों को अच्छे से हम ब्लो ड्रायर कर लेंगे ताकि वो सूख जाएंगे ब्लो ड्रायर से। उसके बाद उसमें हम प्रेसिंग करेंगे। उसके बाद हम इसमें पतले पतले सेक्शन लेके वैसे प्रेसिंग करेंगे जैसे आप स्ट्रेटनिंग में करते हो या रिबॉन्डिंग में करते हो। तो रिबॉन्डिंग में भी हम ऐसे ही करते हैं पतले पतले सेक्शन लेके, तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है, प्रोसेस वही रहेगा स्ट्रेट करने का। बट इसमें इतना रहता है कि बाल वॉश नहीं करते हैं और स्मूथनिंग में बाल क्रीम लगाने के बाद वॉश कर देते हैं। कैरेटीन की क्रीम को हम बालों में ही पेनिट्रेट करवाते हैं, बालों में ही डालते हैं, जिससे कि शाइन बहुत अच्छी आएगी और बालों का जो नेचुरल टच रहता है वो बालों पर बनी रहता है। कैरेटीन का असर ज़्यादा नहीं रहता है, 5-6 महीने ही तक ही रहता है कैरेटीन, और बाल बहुत स्मूथ रहते हैं, शाइन रहते हैं, बाल गिरना कम हो जाता है, बालों का गिरना कम हो रहता है। काफ़ी फायदे हैं इस कैरेटीन करवाने के। आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं इनके बाल, कितने स्मूथ और कितने सिल्की हो गए हैं। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। इनके बालों में हमने कैरेटीन किया था, कितनी अच्छी शाइन और कितने अच्छे सिल्की बाल हो गए हैं। ओके, थैंक यू।